असलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज आपण कविता हा देश माझा या कवितेतील चरण दोनचे भावार्थ समजूया। जे हात उत्सुकलेले दगडांच्या वर्षावाला, रोखा ते लावा कार्याला, या देशाच्या प्रगतीला। जिन बदबख्त लोगो के हाथ हमारे देश को खत्म करने के लिए, हमारे देश पर पत्थरों की बरसात करने के लिए लगे हुए हैं, तो ऐसे लोगों के हाथों को हमें रोकना है, उन्हें रोकना है, और उनके हाथों को हमें अपने देश कार्य के लिए, यानी कि देश के कामों के लिए, देश की प्रगति के लिए उनको लगाना है। हे बंद करा उत्पात, थांबवा आपला घात, सामर्थ न जाओ व्यर्थ, काहीसा अर्थ ही येऊ द्या। जो देश में चल रहा है, दंगा फसाद हो रही है, इन चीजों को हमें रोकना है, हमें अपने आप को बचाना है, क्योंकि इससे हमारा ही नुकसान है। तो ये जो दंगे फसाद है उनको हमें रोकना है, और हमारा जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे देश के प्रगति के लिए, विकास के लिए, तो हमारा जो सामर्थ्य है वो टिका होना चाहिए, वो हमारा जो हौसला है इस देश की प्रगति तक पहुंचाने के लिए, प्रगति पथ तक ले जाने के लिए, तो ये हौसला हमारा कायम रहे। इसके लिए हमने ये अहद करना है कि हम लोग इन लड़ाई से, इन झगड़े फसादों से, जो भेदभाव हो रहे हैं इस देश में, उनसे हमने सबको दूर रखना है, और हमारी जिंदगी को अर्थपूर्ण बनाना है, यानी कि हमारी जिंदगी को हमने खुशहाल बनाना है, योग्य दिशा देनी है, यानी कि सही दिशा में, सही सिमत में हमें जाना है, सही रास्ते को हमें